चला है, ऐसा माना जा रहा है। राजधानी पर हम अपनी पार्टी के अंदर ऐसे सभी देशभक्तों का समाज सेवा के माध्यम से जो राजनीति करना जानते हैं, चाहते हैं और सुचिता के आधार पर जीवन जीना चाहते हैं, ऐसे सभी अलग अलग पूरे 55 जिलों के सभी बूथों पर जो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं उस अभियान के प्रभारी जी। और मैं आज के अवसर पर आप सभी को कहना चाहूंगा, जब 45 वर्ष किसी पार्टी को होते हैं तो 45 वर्ष यद्यपि बहुत दिखाई देता है, लेकिन देश का इतिहास जब लाखों साल पुराना हो तो उसके मामले में बहुत कुछ दिखाई देता है। हम अगर तुलना करें लगभग सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो दुनिया के श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी। और मैं आज के अवसर पर आप सबको बधाई चाहूंगा, जब 45 वर्ष किसी पार्टी को होते हैं तो 45 वर्ष यद्यपि यूं बहुत दिखाई देता है, लेकिन देश का इतिहास जब लाखों साल पुराना हो तो उसके मामले में बहुत कुछ दिखाई देता है। हम अगर तुलना करें लगभग सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो दुनिया के देशों की तुलना में भारत की तुलना अगर हम करें तो भारत की तुलना उदाहरण के लिए 1947 में जो 1 रुपया हमारा था तब डॉलर भी 1 रुपए के बराबर था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस ने सत्ता के सूत्र अपने हाथ में लेते हुए देश को दुरावस्था में डाला और उसके बराबर कई सारे देश सबसे लगातार आगे बढ़ते रहे और कहां से कहां पहुंचे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उनके पूर्ववर्ती हमारे अपने प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जब दिल्ली में इन्होंने सरकार बनाई, इन सरकार के बाद सभी वर्गों का कल्याण करने के लिए जो काम किए हुए, मुझे प्रसन्नता है कि गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क देने की सौगात अगर किसी से मिली है तो सभी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के समय से मिली। हमारा यूएस से लेकर के सभी क्षेत्रों में सम्मान पाया है, यहाँ तक कि राष्ट्रभाषा बोली जा सकती है राष्ट्रसंघ में, ये भी केवल भाजपा के जरिए ही हुआ है। हमारे विचार परिवार को गौरव मिला और दुनिया के अंदर भारत स्वाभिमान के साथ आगे बढ़े। आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के सामने दुनिया के कौन से देश है जिनके आपस में टकराव हुई लेकिन सबके बीच में आशा की एक किरण दिखाई देती है, वो किरण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिखाई देती है। कदम कदम पर एक नहीं कई उदाहरण हमारे सामने आए, रूस विक्रम युद्ध में 20,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को बचा कर लाना ये कोई कम बड़ी बात नहीं, ये बातें हमको नीचे तक पहुंचाना पड़ेगी। जब सरकार के तीसरी बार का जब हम जनादेश मांग रहे हैं तो हमारे अपने सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को प्रत्येक कार्य को कतर के अंदर हमारे 8 सैनिकों का एक तरह से मृत्युदंड पा लेना और मृत्युदंड से बचा करके उनको वापस अपने स्वदेश घर लाना ये असंभव। और चलिए बढ़ते आगे, बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। ग्रेहाउंड और छत्तीसगढ़ पुलिस का ऑपरेशन जारी, तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर मुठभेड़, पुजारी कांकेर के करीगुटा के जंगल में मुठभेड़ हो रही है। 3 नक्सलियों के अब तक मारे जाने की खबर मिली है, घटना स्थल से 1 LMG AK-47 समेत कई अन्य हथियार भी मिले हैं। खबर बीजापुर से जहां पर SP बीजापुर जितेंद्र यादव ने मुठभेड़ की जानकारी दी है, उसूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सत्यनारायण चांदक हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। सत्यनारायण, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? मुठभेड़ अभी रुकी हुई है, खत्म हो गई है या फिर और चलने की संभावना है? जी, आपको बता दें कि मुठभेड़ लगभग जो है खत्म हो चुकी है और जवान जो है आसपास के इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं। हालांकि अभी की अधिक जानकारी जो है निकल कर नहीं आ रही, लेकिन जितनी जानकारी मिल रही है इसमें 3 बड़े कलर के नक्सली मारे गए हैं जिनकी फोटो भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से मिल गई है और मौके पर अभी भी जवान इलाके में मौजूद है, लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। कुछ नक्सली घायल होने का दावा पुलिस कर रही है, जिन्हें ढूंढने की कोशिश है जंगलों में की जा रही थी। काफी बड़ी मात्रा में माओजी वहाँ जमावड़ा था, लगातार वहाँ पर बैठकी हो रही थी, पीसी को लेकर घटना को अंजाम देने के लिए जो है बैठक हो रही थी। और आपको बता दें कि खासकर आज 6 अप्रैल को आज से 3-14 साल पहले तारमेटना में नक्सलियों ने जवानों को हमला किया था और 76 जवान शहीद हुए थे। एक तरह से उन जवानों का बदला जो है आज जवानों ने ले लिया है। आज 6 अप्रैल है, आज सुबह मुठभेड़ हुई जिसमें
तीन बंदे मारे गए और मौके से जो है एलएमजी और AK-47 जैसे हथियार बरामद हुए। ये हथियार जो है बड़े कदर के नक्सली अपने पास रखते हैं, तो नजर लगाया जा सकता है कि बड़े नक्सली जो है वहाँ जी आप नजर बनाए रखें, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। और आज कवर्धा शहर में सरदार पटेल मैदान में बीजेपी एक चुनावी जनसभा करने जा रही है। इस जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले थे, उनके आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी थी, लेकिन अचानक उनके आने का दौरा रद्द हो गया। अब उनकी जगह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव मोर्चा संभालेंगे। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में आने वाले कवर्धा जिले में बीजेपी के तीनों दिग्गज उतरने वाले हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी मौजूदा सांसद संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार करेंगे। और मनीष के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? अभी तो जानकारी ये मिल रही थी कि अमित शाह आएंगे, लेकिन कुछ एक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, उनका दौरा रद्द हुआ है, लेकिन कुछ और नेता पहुंचेंगे, बड़ा कार्यक्रम जो तय हुआ था वो होगा ही। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से भाजपा का लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से प्रदेश में ये बड़ा आयोजन है, जिसमें आप जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको शामिल होना था, पर किसी कारणवश उनका ये दौरा जो है वो कैंसिल हो गया है। इसकी तैयारियां पूरी हो गई थी, एक बड़ा मंच तैयार किया गया है जिसमें बड़ी संख्या में 4 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, तो कार्यक्रम में अमित शाह तो शामिल नहीं हो रहे हैं, पर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, और जो स्थानीय विधायक डिप्टी सीएम विजय शर्मा और जो मौजूदा सांसद हैं संतोष पांडे वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे, और लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से इस जो सभा है वो बड़ा कार्यक्रम जो है एक तरह से कहें तो भाजपा के द्वारा शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया है। और कार्यक्रम को लेकर आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मनीष। और अंबिकापुर से खबर, जहां एक अंधविश्वास ने एक शख्स की जान ले ली। सांप के काटने के बाद शख्स को झाड़ फूंक से ठीक करने की कोशिश करते रहे लोग, घंटों झाड़ फूंक के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ, मेडिकल कॉलेज लेकर जाना ही पड़ा, लेकिन काफी देर हो गई, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी जान चली गई। सूरजपुर जिले के शख्स को सांप ने काटा था और इस सांप के कांटे को झाड़ फूंक से ही ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में जब अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी। और अब खबरें 2020। बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सली, AK-47 समेत कई हथियार बरामद।